हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एग्जाम्स में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आपने इनका प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं। तो अपने इस पार्ट में हम लाए हैं आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो UPSC में हो, चाहे वो स्टेट PCS में हो, या किसी और एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां पर GS के सभी विषय, साथ में करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ के साथ में ही MCQs और गवर्नमेंट स्कीम्स को भी प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न सही हो और किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या फिर 544 ईसा पूर्व। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी गणराज्य कोली की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो आपको इस प्रश्न से और भी कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जैसे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके पिता शुद्धोधन थे जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य की थी, और उन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था, और इसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो सिर्फ एक प्रश्न से आपके 3 से 4 और भी प्रश्न तैयार हो रहे हैं, इसलिए एनालिसिस को और उत्तर में जो डिटेल्स हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, गुडाकेश, प्रच्छन्न बौद्ध या फिर मिहिर। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत इत्यादि नामों से भी जाना जाता था, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी भगवान बुद्ध का नाम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शंस हैं मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण। और दोस्तों, उत्तर जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है मौर्य वंश। मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहां आया था, और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर से छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जैसे उस अभिलेख का नाम क्या है, तो रुम्मिनदेई अभिलेख है। कितने वर्ष के बाद में अशोक यहाँ आया था राज्याभिषेक के? 20 वर्ष के बाद आया था। और कहाँ पर उसने कर से छूट की घोषणा की थी? तो लुम्बिनी में की थी। और किस वजह से की थी? क्योंकि ये बुद्ध का जन्म स्थली थी। तो इस तरह से इस प्रश्न के साथ में आपको 4 और प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अलग अलग प्रश्नों के रूप में। तो इसलिए इसके उत्तर को बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, बोधगया में,
कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में? और यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सही उत्तर है कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहां एक लोहार की अमरवाटिका में वे ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इसके बाद भी वे कुशीनारा पहुंचे, जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थे। यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। साथ ही यहां से हमें कुछ और प्रश्नों के भी उत्तर मिलते हैं, जैसे उनके देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई और 483 ईसा पूर्व में हुई। साथ ही उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई, जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, और इससे पहले वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। तो साथ ही आपको कई प्रश्नों के और उत्तर मिल रहे हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न का उत्तर कुशीनगर है। और भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी, और इसे महापरिनिर्वाण मंदिर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में कौन था? आनंद, सारिपुत्त, मोगलान या फिर सुभद्र? सही उत्तर है सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। यहाँ सुकर मद्दव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर भी वे यहाँ से कुशीनगर चले गए और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। तो सही जवाब होगा सुभद्र। और कहाँ पर? कुशीनगर। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक विषय की डिटेल लेक्चर क्लास और MCQ सब कुछ मिल रहा है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, और इसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो सही जवाब होगा वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वो सबसे पहले ऋषि पत्तम आए, जो कि वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? शूद्रक, वासुमित्र, नागार्जुन या फिर कालाशोक? इस प्रश्न का सही जवाब है वासुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर संगति कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो सही जवाब है वासुमित्र। दोस्तों, उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी विश्लेषण थे उनको भी देखा होगा, क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक यू।